जिक्र करेंगे इमरान खान का। बुनेर जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल से पूछता हूँ, आप न्यूट्रल हो गए, बिस्मिल्लाह। आपको पहले ही बताया था कि साजिश कामयाब हो गई तो मईशत को नुकसान होगा। शौकत तरीन को भी उनके पास भेजा था, हमने आवाम पर बोझ नहीं पड़ने दिया, पेट्रोल पर सब्सिडी दी। इमरान खान ने कहा कि ये मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें कर रहे हैं, रास्ते से हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या जरदारी और नवाज शरीफ गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे जिनका सब कुछ बाहर है? मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। जिधर माशी हालात खड़े हैं, अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूँ हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान होगा। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। न्यूट्रल्स को ये कहना चाहता हूँ, सरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, वो लोग जो जिनका है सब कुछ पाए। जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाए गद्दारी का मुकदमा करके। मैं किसी इंपोर्टेड हुकूमत का किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूँ। जब IMF ने हमारे पे भी जोर लगाया, हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया और पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, बोझ कम किया लोगों पे, वो इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है।